बेगूसराय के बछवाड़ा में राजद कार्यकर्ताओं ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजद के कई नेताओं का कहना है कि बछवाड़ा से अगर पार्टी टिकट देती है तो जीत सुनिश्चित है। बछवाड़ा में कम से कम 20,000 वोट से जीतेंगे और बिहार में तेजस्वी का सरकार बनाएंगे, बिहार से जंगल राज खत्म करेंगे। राजद के नेताओं का कहना है कि केंद्र में भाजपा की और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन महंगाई चरम सीमा से पार है। राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार लगभग 2/3 बहुमत बनाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर राजद जिला प्रवक्ता श्याम प्रसाद दास, जिला उपाध्यक्ष नसीम अख्तर के साथ समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद। बीटी न्यूज बिहार के लिए बछवाड़ा से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। कि 15 साल का जो लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल जो था वह जंगल राज का कार्यकाल था, तो अभी जो कार्यकाल चल रहा है नीतीश जी का, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले प्रिंट मीडिया के साथियों को हम स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और जो प्रश्न आपने पूछा है कि 15 वर्षों का जो शासनकाल हम लोगों का था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की बातें कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि श्री लालू प्रसाद यादव जो हम लोगों के नेता हुआ करते हैं, आज किसी कारणवश गलत ढंग से उन्हें फंसाया गया है और वो आज रिम्स में हैं, जेल में हैं। लेकिन जो आम जनता, 12 करोड़ जो जनता बिहार की है, उनकी दिल में 12 करोड़ जनता के दिल में आज लालू प्रसाद बसते हैं। हम ये पूछे और मैं बता रहा हूँ, 15 साल का कार्यकाल, 15 साल की जो सत्ता थी वो सत्ता लालू प्रसाद यादव की, हम लोगों की जो सत्ता थी वो गरीबों की सत्ता थी। गरीबों को हक, अधिकार, न्याय, सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद हुआ। जो वर्षों से पीड़ित थे, शोषित थे, जो वर्षों से जिनकी आवाज मुंह से नहीं निकलती थी, उनको लालू प्रसाद यादव जी ने आवाज दिया, बोलने का तरीका सिखाया और वो 15 साल गरीबों की आवाज बनकर पूरे बिहार में चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इन 15 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, जिसमें 56 घोटाले अब तक हो चुके हैं, मैं कई घोटालों की चर्चा भी कर सकता हूँ आपके नजदीक, सृजन घोटाला से लेके और सारे घोटाले हैं। और आज जो स्थिति है इस कोरोना काल की महामारी में, जिस तरह से तेजस्वी यादव हम लोगों के नेता ने जिस तरह से आज प्रवासी मजदूर जो जहां फंसे हुए थे दूसरे प्रदेशों में, ऐसे लोगों को वहां उसकी सुविधा देकर उन्हें वहां से बुलाने का भी काम किया, और आज जो बेरोजगारी का एक लंबा डाटा पूरे बिहार में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, खास करके बेरोजगारी है, खास करके आपके जो ये अस्पताल है, आपके ये स्वास्थ्य का मामला है, आपके ये गली नली का मामला है, सारी जगहों पर कहीं न कहीं घोटाले हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये सरकार गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी और ये आपके जनता दल यूनाइटेड के कुछ तथाकथित नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए ये सारा काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम नसीम अख्तर हुआ। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट और आपसे समय लूं। सवाल इस बात का है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने जो आवाज दी, उस आवाज को श्री लालू प्रसाद ने उठाने का काम बीड़ा लिया, और लालू जी के बाद जेल जाने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो धारा पकड़ा है, गरीबों को मान सम्मान जैसे लालू जी दिया करते थे, अति पिछड़ों को, हरिजन को, मुस्लिम को, इन सबको मान सम्मान के साथ विधायक के रूप में हो, अति पिछड़े के लोगों को विधान परिषद के रूप में हो, किसी न किसी रूप में सभी जाति और धर्म के लोगों को हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव ने हम लोगों को सिखाया है कि आगे आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारों की जो लंबी फौज है उसको कम कर देंगे, और मान सम्मान के साथ जो साथी को हम टिकट नहीं दे सकेंगे उनको हम विधान परिषद और बोर्ड के निगमों वगैरह में भेजने का काम करेंगे। तो बछवाड़ा के
की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आरजेडी के इतना फौज हमारे कार्यकर्ता जिसको हमने जनता दल के रूप में सदस्यता दिलवाई है कोई दूसरा विधानसभा जो हमारे इतना ये सबसे आगे जिला में हम हैं, ये रिकॉर्ड की चीज है। रिकॉर्ड बता रहा है कि बछवाड़ा जिला में अव्वल है। जब भी कोई धरना है जिला में तो वहां के जिला के पदाधिकारी बछवाड़ा की ओर नजर घुमा के देखते हैं कि बछवाड़ा के साथी आए कि नहीं आए। जब हम लोग पहुंचते हैं देर से भी तब जाके कार्यक्रम शुभारंभ। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या कहना चाहते हैं? बछवाड़ा में पिछले 15 के चुनाव में मात्र एक अति पिछड़ा को सीट तेघरा दिया गया, जदयू में चले गए तो जिसका कोई असर नहीं है, वो बेचारे आज भटक रहे हैं। वो जब आते थे तो फौज देखते थे और जदयू के रूप में जब आए हैं तो देखता है कि वीरेंद्र जी आए हैं तो उधरे से भाग जाता है। ये हालत है। अगर जिसकी आबादी 34% है बिहार में, और कर्पूरी जी जो बता रहे थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, इसकी पुनरावृत्ति न हो, अति पिछड़ों को सीट दे के आप आगे बढ़ाइए, वो सब आपको देख रहा है। प्रसाद सिंह को जो है अपमानित किया गया, पार्टी से निकाला गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? रघुवंश बाबू को जो सम्मान आरजेडी ने दिया है इसका ताजा उदाहरण देखने के लिए हवाई अड्डा पर किसने पहुंचा? राजद के लोग पहुंचे कि बीजेपी के लोग पहुंचे या जनता दल यूनाइटेड के लोग पहुंचे? फिर राजकीय सम्मान जो सरकार ने दी उसमें हमारे नेता तेजस्वी यादव स्वयं जाके पुष्प अर्पित उनके प्रति किए। श्राद्ध कर्म में भी उन्होंने सदैव उपस्थित होने का काम किया है और हमारे दल के नेताओं ने भी उनके साथ श्राद्ध कर्म में और जलाने के कार्यों में, और जिस समय दिल्ली से उनका एयरपोर्ट पर पटना हवाई अड्डा पर लाया गया था भारी संख्या में राजद के कार्यकर्ताओं ने हरा झंडा लेकर के उपस्थित हुआ था। विष्णुदेव सहनी राजद जिला उपाध्यक्ष, राजद अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। आज हम लोगों का जो मुख्य मांग है, हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रदेश नेतृत्व से मांग करते हैं कि बछवाड़ा में हम लोगों का सांगठनिक स्थिति बहुत ही मजबूत है, इसलिए बछवाड़ा में लालटेन आवे। उम्मीदवार ए हो बी हो इसकी कोई महत्ता नहीं है, लालटेन यहाँ बछवाड़ा में चले, हम लोग जिता के राजद की झोली में डालेंगे, प्रदेश नेतृत्व के झोली में डालेंगे और चाहेंगे कि प्रदेश में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। जो पिछले दिनों जो बिहार की स्थिति रही है उससे लोगों को निजात मिले और उसके बाद यदि कोई गठबंधन की परिस्थिति बनती है तो जो प्रदेश का नेतृत्व होगा का जो फैसला होगा हम उसका स्वागत करेंगे। अच्छा, अभी जेल में है तो महागठबंधन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तेजस्वी यादव के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? हमारे सुप्रीम जेल में है और हमें प्रभाव नहीं पड़ा है कि हमारा कमान सुप्रीम तेजस्वी जी को दे चुके हैं। तेजस्वी जी सक्षम है विधानसभा चुनाव बिहार हम लड़ने के लिए, इसलिए हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बछवाड़ा हम मांग करते हैं क्योंकि हमारे सुप्रीम कहे थे सभी बूथ पर 30-25 बूथ मैनेजमेंट करो, हम लोग कुछ पूरे बछवाड़ा विधानसभा में सभी बूथ पर बूथ मैनेजमेंट भेज दिए हैं उनको कॉपी। मैं मांग करता हूं कि हमारे सुप्रीम बछवाड़ा विधानसभा में लालटेन को दो दें और हम लालटेन को जिता कर भेजेंगे। ये सुप्रीम का काम है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मांग है। आपका नाम? दिनेश चौरसिया, जिला उपाध्यक्ष बेगूसराय। हो रहा है लेकिन इसको सुशासन की सरकार की उपाधि दी जा रही है जो अमीरों की सरकार है, अमीरों की हितैषी है।
आज गरीब गुरबा, आज थाना ब्लॉक कहीं भी चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं भी बिना पैसा के लेन देन किए हुए कोई भी काम गरीब जनता का नहीं हो रहा है। ये कहने की चीज है, बीजेपी या जदयू आरएसएस के गोद में खेलने वाले नीतीश कुमार जी जो कहते थे 15 के चुनाव में जो मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आरएसएस और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आज वही नीतीश कुमार जी आरएसएस और बीजेपी गोद में खेलने का। अगर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आपको सिंबल बछवारा में दे दिया जाएगा तो क्या इस बार लालटेन बछवारा में जलेगा या नहीं जलेगा? निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल परिवार इतना मजबूत है। कितना वोट से जीतेगी बछवारा विधानसभा में? जीत होगी, हमारी जनता मालिक है। लगभग कोई आंकड़ा होगा ना आपके पास? 25,000-30,000 वोट से हम जीतने का काम करेंगे बछवारा विधानसभा में। बूथ कमेटी मैंने 428 जो बूथ बना है पूरे विधानसभा में, हमारा कमेटी प्रत्येक बूथ पर 31 सदस्यीय कमेटी बनाने का काम हमारे अध्यक्ष हमारे साथ ही मिलकर करने काम किए हैं और बना के हम लोग जगदा बाबू के ऑफिस में पहुंचाने का काम किए हैं, वहां एंट्री हो चुका है। मैं इतना मजबूत हूं जो राष्ट्रीय जनता दल का अगर उम्मीदवारी दी जाए, कोई साथी को उम्मीदवारी अगर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दें तो यहाँ जीत के पक्ष में हम लोग लहराने का काम करेंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री का काम करेंगे। आपका नाम? नील कुमार यादव।